आज हम फराली लौकी का सूप बनाएंगे। 250 ग्राम लौकी लिया है, इसे छिलका निकाल कर चॉप कर लिया है। यह हम कुकर में डाल देंगे। एक मीडियम आलू लिया है, इसे पील कर लिया है, इसे हम चॉप करके डाल देंगे। सिंग दाना को सेक लिया है और छिलका निकाल लिया है। ये रोस्टेड सिंग दाना हम 2.5 टेबल स्पून डालेंगे। हाफ टी स्पून जीरा डालेंगे, पानी डालेंगे, 2 कप पानी डालेंगे, 1 अदरक का टुकड़ा चॉप करके डाल देंगे। एक छोटा सा टुकड़ा लिया है। कुकर का ढक्कन बंद करके 3 सीटी तक कुक कर लेंगे। लौकी को 3 विसल तक कुक कर लिया और कुकर ठंडा भी हो गया है। एक स्ट्रेनर में निकाल के इसे स्ट्रेन कर लेंगे। मिक्सर जार में डाल के क्रश कर लेंगे। मिक्सर जार में हम 5 से 6 पुदीने का पान डालेंगे। 1 टीस्पून मोरैया का आटा डालेंगे। आप इसके जगह पे राजगिरी का या सिंगाड़े का आटा भी यूज कर सकते हैं और इसे हम क्रश कर लेंगे। लौकी का मिश्रण क्रश कर लिया है, इसे हम पैन में डाल देंगे। जो स्टॉक हमने स्ट्रेन करके निकाला था वो भी मिक्सर जार में डाल के ले लेंगे। इसे हम गैस पे रख देंगे। 5 से 6 फुदीने का पान हम तोड़ के डाल देंगे। 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर डालेंगे। 2 टीस्पून सेंधा नमक डालेंगे। मिक्स कर लेंगे। थोड़ा पानी डाल के कंसिस्टेंसी एडजस्ट करनी है। एक कप पानी डाला है। एक टीस्पून मलाई डालेंगे। सूप को बॉईल होने देंगे। हाफ टी स्पून ग्रीन चिली पेस्ट डालेंगे। मिक्स करके बॉईल करेंगे। सूप में एक बॉईल आने के बाद हमने लो आंच पे 2 मिनट उबाल लिया है। अभी हम गैस ऑफ करते हैं और 1.5 टीस्पून लेमन जूस डालेंगे। मिक्स कर लेंगे और सर्विंग बाउल में निकालेंगे। सूप को फराली चिवड़ा के साथ सर्व करेंगे।